बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम सुहेल अयूब। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है मुझे जानते हैं, बी सी एन जी पी ऑफिसर हूँ। आप लोगों के कॉलेजेस में प्लेसमेंट और वोकेशनल काउंसलिंग का काम कर रहा होता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब हम कोई जॉब एडवर्टाइज करते हैं तो आप लोगों की तरफ से उनको अप्लाई कर रहे होते हैं, थ्रू ईमेल आप लोग अपनी सीवी शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें अजीब अजीब तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो हम जब कॉलेजेस में जब सेशंस कर रहे होते हैं तो वहाँ भी बहुत कम पार्टिसिपेशन होती है, स्टूडेंट की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होते, और फिर यही मसले मसाइल सामने आ रहे होते हैं कि जब आप लोग सीवी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऐसे ही ईमेल उठा के भेज देते हैं, ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है, फिर बड़े अजीब से मसले सामने आते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कोशिश की है, मैं आप लोगों को दोबारा भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आपके कॉलेज में कोई सेशन हो तो काइंडली वहाँ पर पार्टिसिपेट क्या करें, देखा करें कि जी क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें आपको पेयर एम्प्लॉयमेंट में हेल्प आउट करती हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि जब आप लोग मुझे सीवी भेज रहे हैं, ठीक है, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक दो लाइन के अंदर उसके अंदर कोई चीज़ लिख दिया करें। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कैंडिडेट को चाहिए, टू कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए प्लांट इन अवाजी। तो अब देखिए, आप लोग इसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो बड़ा सिंपल है, आप लोग अपना ईमेल ओपन करें, ईमेल में जाएं, ठीक है, वहाँ पे आप लोग मुझे किस तरह का ईमेल लिखेंगे, बड़ा सिंपली, ठीक है, आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी मेरा ईमेल एड्रेस जो मैंने लिखा हुआ है वो लिख दिया करें। यहाँ पे आप लोग लिख ले ये प्लांट ऑपरेटर, ठीक है, एटवाजी, कुछ इस तरह का जो जॉब रिटायरमेंट वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या टाइटल, वहाँ से उठा के लिख ले, डियर सर, ठीक है, दिस इज विद रेफरेंस टू, ठीक है, दिस इज विद रेफरेंस टू जॉब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जॉब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इट योर न्यूज़पेपर, पब्लिश आर शेयर इट न्यू इट योर VCNJP पेज, VCNJP जीपी पेज, प्लीज फाइंड माई सीवी। फॉर फर्दर एक्शन और प्रोसेस, बस इतना ईमेल आप लोगों ने करनी है और नीचे लिख देना है कि जी रिगार्ड्स, ठीक है, या कुछ इस तरह के एक दो कलमात लिख लिया करें। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, कभी कभार आप लोगों की सीवी आ रही होती है, कोई कंटेंट ही नहीं होता, कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, कोई पता ही नहीं चलता कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह माफी दे, कुछ लोगों के तो नाम इस तरह से आ रहे होते हैं, काला पठान, डिप्लोमा पठान, और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी चीज़ें जो जिसको देख के इंसान को जो है ऐसे लगता है कि जी मतलब ये कोई सीरियसनेस से शो नहीं हो रही होती। और इसी तरह से जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं किसी जॉब के लिए स्पेसिफिकली, तो आप फिर ये समझ नहीं आ रहे थे आप कौन से उसके लिए अप्लाई कर रहे होते, तो कारण इन चीज़ों को देखें, इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसी तरह से ऐसा ऐसा करके इंशाल्लाह मैं बाकी वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।